पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें मिलता है 3 लाख रुपए तक का लोन और वजीफे के साथ ट्रेनिंग। नमस्कार, मैं चित्रा और आप देख रहे हैं द खबरदार। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पीएम विश्वकर्मा योजना की जब घोषणा हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस योजना का उद्देश्य न केवल इन कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपरा को सुरक्षित करना है, बल्कि और उसे विकसित करना भी है। हम आपको बताते हैं कि क्या है ये योजना, इस योजना में लोन कैसे मिलता है, कौन है इसके पात्र और इससे जुड़ी अन्य जानकारी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 यानी विश्वकर्मा पर शुरू किया गया था। यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत भारत सरकार सस्ती ब्याज दरों पर कई प्रकार के कारीगरों को लोन अथवा ऋण उपलब्ध करवाती है। दरअसल पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों को भी अभी तक बैंक या वित्तीय संस्थानों से लोन नहीं मिल पाता है। इन्हें ही बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना है। उन्हें इस क्षेत्र में चल रही नई तकनीक या मशीनों से परिचित करना है। इस योजना के जरिए बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कुम्हार, दर्जी, मूर्तिकार, कपड़े धोने वाले श्रमिकों को आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। उनके पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें लोन दिलवाकर नई मशीन खरीदने को प्रेरित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि विश्वकर्मा स्कीम का फायदा देश भर में 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के साथ बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कुम्हार, दर्जी, मोतीहार, कपड़े धोने वाले, माला बनाने वाले, चिनाई करने वाले और अन्य भी कई प्रकार के श्रमिकों को होगा। कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ? विश्वकर्मा योजना के पात्र सभी कारीगरों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपए तक का लोन 2 किश्तों में 5% सालाना की रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है। विश्वकर्मा स्कीम में 2 तरह के कौशल विकास कार्यक्रम हैं, पहला बेसिक और दूसरा एडवांस। इस कोर्स को करने वालों को मानदेय या वजीफा या स्टाइपेंड भी देने की व्यवस्था है। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा, जिस पर रियायती ब्याज अधिकतम 5% देय होगा। व्यवसाय को व्यवस्थित करने के बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का रियायती लोन प्रदान किया जाएगा। कितने दिन में चुकाना होगा लोन? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है वह इकट्ठे नहीं मिलता है, यह 2 ट्रांच में दिया जाता है। पहले ट्रांच में लाभार्थी को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसे लाभार्थी को 18 महीने के भीतर वापस करना होगा। इसके बाद उन्हें 2 लाख रुपए का दूसरे ट्रांच का लोन मिलेगा, इसे 30 महीने में वापस करना होगा। विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन CSC अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के आवेदन के 4 मुख्य चरण होंगे, मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन, कारीगर पंजीकरण, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, लोन के लिए आवेदन। आवेदन के ये सभी चरण CSC या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं। सरकार मानती है कि बहुत सारे पुराने कारीगर या फिर शिल्पकार पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं, तो योजना के लिए आवेदन की सुविधा CSC अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।